परम भक्तों, कुंडू कैसेट कंपनी पेश करते हैं मां भद्रकाली का प्राचीन इतिहास। मां भद्रकाली की महानता का वर्णन करना मुझ साधारण भक्त के लिए संभव नहीं, क्योंकि समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, देवी देवताओं एवं समस्त ऋषियों मुनियों द्वारा भी इनकी संपूर्ण महानता का वर्णन करने में असमर्थता का आभास प्रतीत होता है। मां भद्रकाली अष्टभुजी देवी है, अतः देवों की देवी महामाया है। फिर भी मैं मां शेरावाली की कृपा से जो कुछ भी वर्णन कर रहा हूं, वो इनकी उपासना से ये पवित्र ग्रंथ श्री सिद्धनाथ बाबा पर आधारित है। अतः उपासना से संबंधित तथ्यों का आगे वर्णन करने जा रहा हूँ। जिनकी संपूर्ण इंद्रियां मां भद्रकाली के कार्यों में लगी रहती हैं, वो संसार सागर से पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिनके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वो समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समेट कर स्वधाम चले गए। उनके विरह में युधिष्ठिर आदि पांचों भाई हिमालय की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पूर्व पौत्र राजा परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद पांचों भाई द्रौपदी सहित हिमालय की तरफ चले गए। द्वापर का अंत हुआ तथा कलयुग का आगमन हुआ। एक दिन एक ग्वाला हस्तिनापुर के वन में गाय चराने गया और अपने मन में सोचने लगा कि इस जंगल में घास नहीं है, ये गाय इस जंगल में क्या खाती है? मुझे आज देखना चाहिए कि मेरी गाय क्या खाती है और कहां जाकर पानी पीती है। ग्वाला गौ माता के पीछे पीछे चलता रहा और देखता रहा कि मेरी गाय कहां जाती है। जब बहुत देर हो गई तो ग्वाला अपने मन में सोचने लगा कि न जाने गौ माता मुझे आज कहां ले जा रही है। ग्वाला जब चलते चलते थक गया तो कहने लगा, गौ माता, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कहीं जंगल में रात बितानी ही क्यों ना पड़े। कुछ समय बाद बेरी का घना जंगल आया और जंगल में जाकर ग्वाला देखने लगा कि यहाँ तो बहुत सुंदर बेरी का जंगल है और बड़ी बड़ी घास भी है। घास देखकर ग्वाला अपने मन में बहुत खुश हुआ और कहने लगा, गौ माता, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे आप आराम करने दो। ये बात सुनकर गौ माता हरी हरी घास चरने लगी और ग्वाला आराम करने लगा। कुछ समय बाद ग्वाले की आंख खुली तो देखने लगा कि मेरी गाय एक बेरी के पेड़ के नीचे झाड़ी में खड़ी है, जहां आदमी पहुंच नहीं सकता। ऐसी झाड़ी में मुझे चलकर देखना चाहिए कि गौ माता इस झाड़ी में क्यों खड़ी है। ये सोचकर ग्वाला गौ माता के पास झाड़ी में चला गया। जाकर देखता है तो गौ माता अपना दूध जमीन पर गिरा रही है। ये देखकर ग्वाला अपने मन में सोचने लगा कि मेरी गाय यहाँ आकर झाड़ी में दूध क्यों गिरा रही है। मुझे झाड़ी साफ करके देखना चाहिए कि जमीन के नीचे मिट्टी में क्या छुपा हुआ है। ग्वाला झाड़ी के अंदर अपने हाथों से मिट्टी और पत्ते हटाने लगा तो देवी माता पिंडी के रूप में दिखाई दी। तो ग्वाला अपने मन में सोचने लगा कि देखने में तो देवी लगती है, क्या जाने ये पत्थर हो। ये सोचकर ग्वाला अपना खुरपा देवी की पिंडी से रगड़ने लगा तो देवी की पिंडी से खून निकलने लगा। ये देखकर ग्वाला घबरा गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे देवी माता, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। ये बात देवी माँ से कहकर ग्वाला अपनी गाय लेकर अपने घर चला गया। ये बात उस ग्वाले ने अपने माता पिता से बताई तो उसके पिता ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन ग्वाला बेरी के पेड़ की आड़ में छिपकर ये सब लीला देखता रहा। जब उसने तिरछा होकर गौर से देखा तो उस पिंडी में
देवी माँ का रूप दिखाई दिया। उस ग्वाले ने हस्तिनापुर में जाकर ये खबर सब गांव वालों को सुनाई। तब सभी लोग गांव के भाई बहन बोले, भैया हमें भी देवी माता के दर्शन करा दो। फिर उस ग्वाले ने अपने माता पिता और गांव के सभी भाइयों को अपने संग ले जाकर वट वृक्ष के पीछे छिपा दिया। थोड़ी देर पीछे उस ग्वाले की गायें बहुत दूर से रंभाती हुई भागी आई और पेड़ के नीचे झाड़ी में आकर रुक गई। तब धरती फटने पर गाय के थन में से लगातार दूध गिरने लगा और उसी झाड़ी में देवी माँ प्रकट होकर देवी माँ गौ माता का दूध पीने लगी और उसी स्थान पर धरती में समा गई।